राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ यहां की राजनीतिक पार्टियों को इस बात का भी इंतजार है कि आखिर 11 जून को सचिन पायलट क्या फैसला लेने वाले हैं। वैसे तो सचिन पायलट के पार्टी छोड़ने की खबरों के बीच राजनीति बयानबाजी चरम पर है। ऐसे में भाजपा प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने सचिन पायलट पर तंज कसा और इशारों में बड़ी बात कह डाली है। राठौड़ का कहना है कि पायलट का विमान ऑटो मोड पर है और ये कहां लैंड करेगा ये वही जानते हैं। ग्वालियर जाते वक्त राठौड़ ने भरतपुर में ये बात कही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस के बड़े नेता हैं और विरासत में कांग्रेस की राजनीति मिली है। इसके साथ ही राठौड़ ने सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा की उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें पायलट ने आरपीएससी में पूरी गंगा मैली होने की बात कही थी और इसके पुनर्गठन करने की मांग कही थी। यही नहीं, पायलट ने साल 2020 के बाद जितने भी भर्तियां आरपीएससी द्वारा कराई गई उन सभी भर्तियों की जांच करने की बात कही थी। राठौड़ ने कहा कि पायलट की वो सभी बातें कैसे खत्म हो गई हैं? क्या वजह है कि लड़ते लड़ते सचिन पायलट दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में खड़े होकर सत्ता में भागीदारी की बात करने लगे हैं? उन्होंने कहा कि जनसंघर्ष यात्रा सिर्फ कुर्सी का संघर्ष था। इसके साथ ही राठौड़ ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और हमें इस पर गर्व है। दुनिया के 70% लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय व्यक्ति कोई नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास इस तरह का कोई चेहरा नहीं है। प्रदेश भाजपा अपनी पार्टी में व्याप्त गुटबाजी को छुपाने के लिए लगातार गहलोत और पायलट को निशाना बना रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर वो कब तक इसका सहारा लेती है। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।